ग्लानीर भवति भानी और जुग जुग में ठाकुर जी अवतरण होते हैं अपना भक्तों को रक्षा करने के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए। इसलिए भागवत में 26 अवतार की कथा आई है। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार है ठाकुर जी चतुष्ण रूप में आए, ब्रह्मा जी का ये मानस पुत्र है। जब ब्रह्मा जी अपना मन से ये चार पुत्रों को सृष्टि की, ब्रह्मा जी आदेश दिया, ठाकुर का आदेश है ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ, लेकिन चतुष्ण ने बोल दिया, बोले पिताजी ये घर गृहस्थी बड़े दुखमय जंजाल है, हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते। बोले क्या, ठाकुर का आदेश है संसार का सृष्टि बढ़ाओ, पहला सृष्टि तुम हो, कहते वो घर गृहस्थी बड़ा जंजाल है, अगर घर गृहस्थी नहीं करोगे ना तुमको अभिशाप देता हूँ, जैसे जन्म ही हो ना ऐसे ही रहो। मतलब 5 साल उम्र में हर समय वो रहते, 5 साल से कभी ज्यादा नहीं होते। चतुष्ण प्रसन्न हो गए, बोले क्यों, आप देखना घर का जितने समस्या, घर का जितने जंजाल बड़ों के ऊपर है, छोटों के ऊपर नहीं है, बच्चे तो मस्ती से खेलते रहते। बोले बढ़िया हो गया, संसार का कोई झामला झूठ नहीं, पास भगवान में रहो और प्रभु का भजन करते रहो। इसलिए उनका कृष्ण कथा मात्र के जीवन, अगर कहीं कथा सुनना सुनने को मिल गया कथा बोलते हैं, अगर कहीं नहीं मिले तीनों भाई तो बैठ जाते हैं सुनने के लिए, और एक भैया बैठ जाते हैं प्यास के ऊपर, पास कथा सुनते रहते। भगवान की जो दूसरा अवतार है, भगवान श्री बरहा रूप में आए। बोले कब आए, बोले देखो ध्यान देखो सुना, कहते शाम का समय ना चारि काम हमें नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए, शाम को चारि काम नहीं करनी चाहिए। बोले देखो ये पृथ्वी रसातल में चली गई थी। बोले रसातल में क्यों चली गई थी, ये हिरण्याक्ष ने उसको ले गया था। बोले हिरण्याक्ष जन्म कैसे हुए, हाँ देखो ध्यान देखो सुना, कहते इनकी माता जी का नाम दीप्ति है, इनकी पति का नाम था कश्यप ऋषि। एक समय ये दीप्ति राजकुमार थी और सीसा को सामने सुंदर से उन्होंने श्रृंगार की खड़ी होकर के, ठीक शाम का समय में था, अपना रूप को उसने देख करके उसने अपना को संभाल नहीं सकी। इतने में अपना पति को पास में गई मिलने के लिए, पति ने मना की, बोले देखो ये शाम का समय नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो दीप्ति इतने कामातुर हो गई थी, उसने जोर जबरदस्ती पति से मिली। मिलने का बाद पति ने कहा तुमने अच्छा काम किया, तेरे गर्भ से राक्षस जन्म उत्पन्न करे, इसलिए शाम का समय में चार काम मत करो, पहला काम तो पति से मिलो मत। इसलिए वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा काम है शाम का समय भोजन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उदर का रोग होगा, पेट रोग होगा। और जो तीसरा काम सोनी नहीं चाहिए, अगर घर में सो गए शाम को ना घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, दरिद्र बनना पड़ेगा। चौथा काम पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अब देखना कोई कोई बच्चा पिता माता बोलते हैं ना ये तो घर में पढ़ता है ठीक से, लेकिन जब पेपर देने जाता है फेल हो जाता है, सब भूल जाता है। कारण क्या, बोले शाम का समय में पढ़ाई करोगे जो पढ़ोगे सब भूल जाओगे। इसलिए ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, और हिरण्याक्ष ने ये पृथ्वी को रसातल में ले गया था। इतने में जब मनु महाराज को उन्होंने सृष्टि करने के लिए आदेश दी, बोले ये पृथ्वी तो है ही नहीं, सृष्टि करे कहाँ पर। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी छींके, उनकी नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, और देखते 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 उन्होंने विशाल श्री बरहा अवतार लिए। बोले श्री बरहा भगवान की, तब उन्होंने छलांग लगा करके पानी में प्रवेश की, अब पृथ्वी को उधार करके धुरी पर स्थापन की, फिर मनु महाराज ने ये सृष्टि करना प्रारंभ किए। ये भगवान का तीसरा अवतार, दूसरा अवतार। बोले तीसरा अवतार, बोले श्री नारद जी। अभी नारद जी की कथा हम सुन रहे थे, हैं? ये नारद जी की विशेष करके चार चेले हुए, दो बालक और दो वृद्ध। दो बालक कौन हुए, इसका ना थोड़ा तुम कुछ आता नहीं है, इसका इको कम कर सकते हो, देखो इसका इको केवल कम कर दो,
इसलिए श्री नारद जी की चार चेले हुए हैं। दो बालक कौन हुए? एक ध्रुव और एक प्रह्लाद। ये दो बालक हुए। बोले दो वृद्ध कौन हुए? बोले श्री व्यास देव और श्री वाल्मीकि। हैं, कहते ये ध्रुव प्रह्लाद के ऊपर में ऐसे कृपा हुई, कहते ना जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। लेकिन ये इतने बचपन में ऐसे भजन की, ध्रुव महाराज की कथा हम आगे सुनेंगे। उन्होंने 6 महीना में भगवत दर्शन कर दिया। और प्रह्लाद महाराज जब उसको पिताजी ने बताया, बताओ तेरे हरि कहाँ है, उसने बताया ये बताओ मेरे हरि है नहीं कहाँ पर बताओ। बोले ये खंभे में क्या हरि है? बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर साक्षात बैठे हुए। उन्होंने गदा प्रहार किया तो खंभा फट गई, साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की, जयकार ठीक से नहीं देते। बोले श्री नरसिंह भगवान की, ऐसे जयकार दो जैसे पता चले कथा हो रही, ठीक है ना। इसलिए नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिए। और उनको दो जो वृद्ध चले हुए, एक हुए श्री वाल्मीकि। ये वाल्मीकि पहले दशरथ ना करता, हाँ, इतने ब्राह्मणों को उसने हत्या की, जनेऊ से कुआं भर दिया था। नारद से मिले, बोले बाबा निकालो, तेरे पास में किया निकालो माल पानी किया। बोले भैया मैं संत हूँ, मेरे पास में लोटे सोटे और लंगोटे तीन ही चीज है, बोले जो कुछ हो निकालो। नारद जी ने बताया ये बताओ, तुमने जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो, ये पाप कर्म को कौन लेगा? बोले मेरे परिवार लेंगे। बोले देखो ये संसार ऐसे है ना, ये सबके सब सुख का समय तेरे साथ दे रहे, दुख में कोई भी साथ देने वाले नहीं। जा पूछ कर गया पत्नी से पूछा, बोले जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहा हूँ, इसका हिस्सादार तो बनेगी कि नहीं? बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम तेरा, मेरे कुछ पता नहीं। पिता माता जी से पूछे, बोले तेरे को हमने जन्म दिया, लिखा पढ़ा सिखाया है, हमने कैसे पैसा कमाई ये हमें पता है, तू कैसे पैसा कमाते हो ये हमें पता नहीं। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा देखो अभी तो हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमको लिखा पढ़ा करके बड़ा करना, फिर जब हम पैसा कमाएंगे फिर सोचेंगे हम कैसे पैसा कमा रहे हैं। बोले भैया नारद तो सही बता रहे थे, ये तो सबके सब सुख में साथ दे रहे हैं, ये तो दुख में कोई भी साथ देने वाले नहीं। फिर उसने वापस आ गए, बोले बाबा आप सही बता रहे हो, ये कोई भी मेरे दुख को लेने के लिए तैयार नहीं, पाप को, हमने तो बड़े पाप किया है, बताओ हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तब नारद जी बोले, बोलो राम, आप लोग बोले राम, जोर से बोलो राम। हम तो राम बोल दिया, लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से प्रभु राम का नाम नहीं लिया। देखो ये दुनिया में भी बहुत लोग होते हैं, दिन भर बैठ करके बकबक 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 करते रहे। बोले कि भैया एक माला जप करो, बोले समय नहीं। आपको एक सही घटना सुनाता हूँ, एक माता जी हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, तब वो हॉस्पिटल में अंतिम सज्जा में लेटे हुई है, सारा दिन बकबक बड़बड़ बड़बड़ करते रहे, मेरे बेटी को देख लेना, बेटे आपस में झगड़ा नहीं करना, बेटे को संपत्ति देना। लेकिन बच्चों ने कहा माताजी आप चिंता मत करो, हम सही कर लेंगे, चिंता मत करो, लेकिन एक बार राम राम एक बार कृष्ण कृष्ण तो बोलो। बोले इतना मेरे से बोला नहीं जाता, देख कितना बोल दिया, इतना मेरे से बोला नहीं जाता, ये 10 अक्षर बोल दिया, लेकिन मुंह से राम का राधे 2 अक्षर नहीं निकला। लेकिन उसका जो पोता था ना वो बड़ा चतुर था। बोले दादी जी तेरे मुंह से क्या नहीं बोला जाता है, वो बड़ा चतुर था, वो सोच रहा था इतना तो बोलेगी कम से कम राम राम राधे राधे नहीं बोला जाता। बोले तू जो भुलवाना चाहता है ना, मैं वही नहीं बोल सकता, और सारे बात मैं बोल सकती हूँ, समझ रहे हो। इसलिए भगवान कपिल देव, ध्यान देकर सुनो, भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ मेरे नाम को कौन ग्रहण कर सकता है। बोले पूर्व जन्म में जो 4 काम करके आया है, वो 4 काम किया है। बोले पूर्व जन्म में जितने सारे तपस्या जो करके आया है,
पूर्व जन्म में जितने दान जो करके आया है, पूर्व जन्म में जिसने सारे यज्ञ करके आया है, पूर्व जन्म में जिसने सारे तीर्थ भ्रमण करके आया, माँ वही व्यक्ति ही मेरे नाम को ले सकते हैं। भैया मेरे नाम को पापी नहीं ले सकता है, पापी नहीं ले सकता है। इसलिए हमारे एक संत कहते हैं, ध्यान देकर सुना, जो व्यक्ति यहाँ पर प्रभु का नाम जप करना शुरू कर दे, उसका तीन काम होना शुरू हो जाता है। कितना काम होना शुरू होता है, देखो ध्यान देकर सुनो, वो तीन काम क्या है। पहला नंबर है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में उसके लिए आरती की थाला सजाना शुरू कर देते हैं। क्यों? वो व्यक्ति भूर भुव मोह जना तप सत्यलोक को पार करते हुए वैकुंठ जाएगा। जब जाएगा मैं उसका आरती उतारूंगा, इसलिए ब्रह्मा जी आरती की थाला सजाना शुरू कर देते हैं। दूसरा काम किया, जब महाराज चित्रगुप्त को कहते हैं, चित्रगुप्त इसका रजिस्टर से नाम को काट दो, मतलब ये कभी नरक में कभी ये नहीं आएगा, उसका नाम को काट दो। बोले तीसरा काम क्या है, बोले राधा रानी अपना सेविका को बोलती हैं, तो इसका जो नाम है ना रजिस्टर में इसका नाम को लिख दो, क्योंकि अभी वो गोलोक वृंदावन में इसका स्थान मिलेगा, ठाकुर जी के चरण में स्थान मिलेगा। इसलिए जब प्रभु का नाम जप करना कोई शुरू कर दे, उसका तीन काम होना, उसी समय में तीन काम होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, भगवान की नाम को जप करना है, ठाकुर जी की नाम को जप करना। इसलिए एक बार मेरे साथ में बोलो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण, बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और एक बार बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, इसलिए श्री नारद जी की पहला चले हुए हैं वृद्ध में श्री बाल्मी दशरथ नागर से। वो बोला मैं राम राम बोल नहीं सकता हूँ, बोले इतना तो बोल सकते हो, तो बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ ये तो बोल सकता हूँ, आप लोग मरा मरा बोलो, बोलो तो मरा मरा अपने आप राम राम हो जाता है। इसलिए बोले उल्टा नाम जपत जगह जाना, अल वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मन माही। इसलिए वाल्मीकि बने और राम, अब तो लव कुश देखे होंगे ना, राम आने से पहले उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखे और इन्होंने लव कुश को उन्होंने पढ़ा दिया, इतने बड़े विद्वान। बोले दूसरा कौन वृद्ध बने, बोले श्री व्यास देव जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की। इसलिए नारद जी की जो ये चार चले हुए ना, सारा दुनिया में गुरु जी के नाम को जय जयकार कर दिया है, सारा गुरु जी को जय जयकार कर दिया दुनिया में। कहते भगवान की जो चौथा अवतार है, कहते नर नारायण ऋषि रूप में बद्री का आश्रम में प्रभु भजन कर रहे हैं। बोले भैया भजन तो हम करेंगे, ये भगवान क्यों भजन कर रहे हैं। हाँ देखो, एक दिन श्री नारद जी इसी मर्त्य जगत में आए, उनने घर घर में गए, सबको पूछा ठीक ठाक हो, सब तो मुंडी हिलाए ठीक ठाक, लेकिन जब उन्होंने अंदर की बात पूछा ना, देखा संसार में कोई भी ठीक नहीं, एक व्यक्ति को ठीक नहीं देखा, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई परिवार से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रह दूता, सबको दुखी दुखी देगा। इतने में श्री नारद जी वैकुंठ में गए, देखा वहां पर है, वहां पर माँ लक्ष्मी भगवान के चरण की सेवा कर रही थी और तेतीसवीं करोड़ देवता भगवान की शांताकारं भुजग शयनं स्तुति कर रहे थे, भगवान मुस्कुरा रहे थे। इतने में नारद जी ने बोले प्रभु जी ये दुनिया को तुमने ही बनाया, बोले हाँ हमने बनाया, बोले दुनिया को तुमने बनाया और दुनिया में सब दुखी दुखी, आप यहाँ पर लक्ष्मी को लेकर के हैं, आप लक्ष्मी को लेकर के पड़े हुए हो,
लक्ष्मी चरण सेवा कर रही है, पर मुस्कुरा रही है। प्रभु बड़े व्यक्ति जो करते हैं ना, छोटे व्यक्ति उसको देख करके सीखते हैं। बोले नारद जी घुमा फिरा कर क्यों बता, तो ठीक ठीक बोला ना सीधा सीधा। बोले प्रभु आप तो अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए हो, दुनिया बोलेगा जब प्रभु लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े रहेंगे। बोले बोलो फिर क्या करनी चाहिए। बोले प्रभु हरि विमुख कभी सुख नहीं पावे। भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी शांति सुख नहीं मिला। वो व्यक्ति उतना सुखी जो जितने प्रभु के चरण की सेवा कर रहा है, वो उतना दुखी जो जितने भगवान से जितने दूर है। इसलिए प्रभु अगर आप भजन करोगे ना, आपसे दुनिया सीख करके भजन करना शुरू करेगा। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए। घूमते घूमते प्रभु बद्री का आश्रम पर पहुंचे। देखो बड़ा सुंदर, कौन कौन बद्री का धाम गए हो? कोई नहीं गए बद्रीनाथ। आप बताओ कौन जाना चाहते हो, बताओ सबको ले चलेंगे। कौन जाना चाहता है, तो जाओ, जाना भी नहीं जा रहे हैं। हाँ एक बार आप सबको हम ले चलेंगे, ठीक है ना। एक बार आपका बद्री धाम आपको सब घुमा करके ले आएंगे। इसलिए अभी बद्री का आश्रम जहाँ अलका नदी बड़े सुंदर नदी बह रही है, वहां पर नर नारायण पर्वत है, बड़ी सुंदर झरना प्रवाहित हो रही है। ऐसी लग गया जैसे पहाड़ को में कौन बताऊ, वहां पर एकदम लग गया जैसे मेघ पहाड़ को जैसे स्पर्श कर रहा है। बड़ी सुंदर पर्वत, बड़ा अद्भुत स्थान है। अभी वहां पर पहले शंकर पार्वती वहीं पर रहते थे, अभी नारायण वहां पर पहुंचे, देखा भैया बड़ा सुंदर स्थान। फिर वहां पर तप्त कुंड है, बड़े सुंदर गर्म पानी निकल रहा है। हैं? अभी नारायण को तो बहुत बढ़िया लगा, बोले यहीं पर ही भजन करेंगे। लेकिन वो पहले शंकर जी का स्थान था। बोले शंकर जी तो छोड़ेंगे नहीं यही से। बोले काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले शंकर पार्वती रोज ये तप्त कुंड में स्नान करने आते थे। नारायण ने एक सुंदर बालक रूप धारण कर लिया, अब बर्फ के ऊपर में पड़ करके रोना शुरू कर दिया। शंकर जी आगे, पार्वती पीछे पीछे जा रही थी। शंकर जी समझ गए भैया ताल में कुछ काला, ये बच्चा कहाँ से आया। लेकिन पीछे माता जी आ रही थी, माता का हृदय तो कोमल है ना, है बच्चों को लालन पालन कौन करती है, माता ही करती है। अभी छोटे बच्चे को देख कर ठाकुर जी स्वयं बच्चे बने, इनके हृदय तो एकदम पिघल गया, मैया गोद में उठा ली। शंकर जी को बोले आपको दिखाई नहीं इतने छोटा बच्चा। बोले पार्वती दाल में कुछ काला है। बोले छोटा बच्चा रो रहे दाल में काला, इसको मैं घर में सुला करके आती हूँ। अपना घर में सुला करके दोनों आए। जब स्नान करके गए ना, वो तो ठाकुर जी थे ना, वो अंदर से ही कुंडी बंद कर दी। जब शंकर जी आकर दरवाजा घटघटाया, ठाकुर जी दरवाजा खोले ही नहीं। बोले पार्वती तुमने देख लिया, पहले तेरे को मैं मना कर रहा था, दाल में कुछ काला देख लिया, घर को दखल कर लिया। शंकर जी ध्यान लगाए कौन है, देखा मेरे प्रभु जी है। बोले प्रभु जी आपको यही रहने का इच्छा ना रहो, मैं तो और कहीं जा रहा हूँ। फिर शंकर जी केदारनाथ उसको बाद में चले गए। इसलिए वहां पर नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने देखा कलिजुग का जो जीव है वो इतने साधन भजन नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता है। अगर कोई कष्ट करके ये बद्रीनाथ आए, एक बार केवल मुझे दर्शन कर ले, मेरे को दर्शन करते ही मैं जो यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या का छठवां भाग का फल उसको अपनी आप मिल जाएगा। मतलब एक बार बद्रीनाथ को दर्शन करो, अपनी आप उनकी भजन का शक्ति आपको मिल जाएगा। जाओगे इस बार? हाँ देखो यहाँ पर तो बद्रीनाथ बहुत दूर है, लेकिन आपका घर को पास में भी बद्रीनाथ है। देखो इसकी कथा सुनो। जब कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने मनोज देखा, हे केदारनाथ, हे बद्रीनाथ, हे गंगोत्री, हे जमुनोत्री, अगर मेरे घर में एक बालक की जन्म हो जाए फिर तो मैं चार धाम बोलूंगा। अभी कृष्ण जन्म हो गए। जब कृष्ण जन्म हुए बोले चार धाम करनी चाहिए, ब्रजवासी तैयारी हुए धाम के लिए। लेकिन चार धाम तो अभी तो आसानी हो गया है, हैं? लेकिन पहले इतने आसानी नहीं थी, पेड़ को पकड़ पकड़ करके जाना पड़ता था। इसलिए जब कोई चार धाम जाते थे बोल देते थे हमारे क्रिया कर्म कर देंगे, पता नहीं हम वापस आ पाएंगे कि नहीं, हैं? इसलिए कृष्ण ने कहा भैया ये ब्रजवासी कितने भोले भाले, देखो
ब्रजवासी कितने भोले वाले, मैं स्वयं जिनका बेटा हूँ, बताओ ये बद्रीनाथ कौन, केदारनाथ कौन है? केदारनाथ शंकर जी, वो तो मेरे सेवक है। बद्रीनाथ कौन? ये नारायण होता तो मेरे अंश का अंश। ये जमुनोत्री कौन? बोले मेरे पटरानी जमुना। ये गंगा कौन? बोले मेरी चरण से प्रकट हुई। कहते ना है, कहते किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। बोले गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे दिया, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है। ये वृंदावन साधारण भूमि नहीं। बोले कृष्ण ने कहा पिताजी आप कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हो? बोले बेटा हम चार धाम जाएंगे, हमने मनोत रखा था तू जन्म लेने पर चार धाम जाएंगे। बोले पिताजी चार धाम तो ब्रज में ही है। बोले कहाँ पर? बोले मेरे साथ में आओ ना। तब श्री कृष्ण अपना पूरा परिवार पिता माता को लेकर के उन्होंने चार धाम दर्शन कराया। कहते ये काम्य वन में ब्रज मंडल का 84 क्रोश में जो काम्य वन है वो काम्य वन में ही चार धाम। अगर आप लोग चाहोगे ना, अगर यहाँ से सवेरे निकलोगे शाम तो दर्शन करके चार धाम ही आ जाओगे। जाओगे? कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ, कौन कौन जाएगा? अब वो यहाँ से सवेरे ले जाएंगे और चार धाम करा के फिर शाम को अपना घर में वापस चल जाओगे। बोले श्री बद्री विशाल की जय, जय श्री हरे कृष्णा। इसलिए भगवान की चौथा अवतार है, ऐसे ही मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम कृष्ण बुद्ध कल्कि, उन्होंने 26 अवतार का नाम ले लिया। लेकिन लेते लेते उन्होंने बोले कृष्ण भी एक अवतार है। इतने में सुतो गोस्वामी तो डर गए। बोले क्यों? बोले ये कृष्ण अवतार नहीं है। फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतारी। अवतारी मतलब है जिनसे ये सारे अवतार आए, मतलब जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है, ये 16 कला में जो परिपूर्ण ये भगवान कृष्ण। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं बोले परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले हे अर्जुन, मैं ही युग युग में जब जब इसी पृथ्वी के ऊपर में कोई दत्तलो का अत्याचार करते हैं, धर्म को हानि और अधर्म बढ़ने लग जाती, तब तक मैंने इसी जगत में अवतीर्ण होकर के संतों को रक्षा करता हूँ, गो ब्राह्मण स्त्री इनको रक्षा करता हूँ, दुष्टों में संहार करता हूँ। इसलिए आप लोग महाभारत देखे हो? कौन कौन महाभारत देखे हो? देखे हो? देखना महाभारत में जो अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा है, बोले ये परिवार को मार करके क्या होगा, खून से सने हुए देश को हम लेना नहीं चाहते, हम तो चाहता हूँ संन्यास लेकर चले जाए। तब कृष्ण उस समय में अपना विराट रूप दिखाया। बोले अर्जुन देखो मैं कौन हूँ, देखो ध्यान देकर सुना इतनी सी बात। इसलिए बोले ने पूरा विराट रूप दिखाया। बोले अर्जुन देख ले मैं कौन हूँ, जिसको शंकर जी कहते हो देखो शंकर मेरे में, जिसको मैया देवी कहते हो देखो देखो देवी मैया मेरे अंदर में, जिसको तुम हनुमान कहते हो देखो हनुमान मेरे में ही है, जिसको तुम गणेश कहते हो देखो गणेश मेरे अंदर में, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो, जिसको शनि रवि ग्रह कहते हो देखो अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। देखो इतनी सी चीज दिमाग में बैठा दो। जब हम कृष्ण का चरण में हमने प्रणाम कर ली, क्या हुआ? ये 33 करोड़ देवता के चरण में अपनी आप प्रणाम हो गए। फिर हमको अलग रूप में दर दर भटकने का जरूरत नहीं। तो उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाया, जैसे एक वृक्ष है, ये चीज को दिमाग में बैठा, जैसे वृक्ष है, अगर वृक्ष का जड़ में पानी डाल दो फिर उसको पत्ते में फल में फूल में पानी देने का जरूरत है? नहीं। अगर कोई जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर उसको पत्ते को धुला दे रहा हूं, उसका फल में फूल में पानी दो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा पेड़? जिंदा नहीं रहेगा। दूसरा उदाहरण दिया,
जैसे रोटी चावल सब्जी हम कहाँ देते हैं? आंखों में ना, कानों में ना, प्यार में देते हो? कहाँ देते हो? कहाँ देते हो? मुंह में। अगर मुंह में अगर खाना दे दिया ना, फिर पेट में चला जाएगा, फिर तुम्हारी सारी इंद्रियां काम करेगी, हाथ में काम करेगा, प्यार भी चलेगा, आंखों भी दिख, कानों में दिखेगा। अगर कोई बोलेगा क्यों आंखों में हम दिखते ना, थोड़ा डाल आंख में डाल दो, कान में सुनते थोड़ा रोटी कान में दे दो, हाथ में काम करते थोड़ा हाथ फाड़ करके चावल कोई देते हो? आहार कहाँ देते हो? मुंह। जैसे मुंह में आहार देने पर सारे इंद्रियां सबके सब सतेज हो जाते हैं, सब काम करते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब कोई व्यक्ति मेरी उपासना करता है, जब कोई व्यक्ति मेरे भजन करता है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, अगर मैं खुश हो गया ना, विश्व ब्रह्मांड खुश हो जाता है। इसलिए बोले जा पर कृपा हरि की हुई, उसके बाद में क्या कहते हैं? हाँ, ये चीज को समझो, जा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी हमारी प्राइम मिनिस्टर है। उसने सबको एक एक ड्यूटी, एक को रेल मंत्री बनाया, एक को अग्नि मंत्री, एक को जल मंत्री, सबको अलग अलग उसने पोस्ट दे दिया है। हाँ, अलग अलग पोस्ट दे दिया। अगर कोई मोदी की सरने में आ जाए ना, फिर किसी की सरने में जाने का जरूरत नहीं। जब दूसरे दूसरों को पता चलेगा, भैया ये मोदी का ये विशेष अमित शाह ना कौन है? हाँ, इसलिए भैया ये मोदी का खास आदमी है, खबरदार इसको पीछे पंगा मत लिया करो, हाँ? इसको पीछे मत पड़ा करो, फिर तुम्हारी नौकरी जाएगी। तो उसी तरह जब हम भगवान कृष्ण को सरने में आ जाते हैं ना, ये जितने ग्रह हैं, रवि सोम मंगल, जितने ग्रह, जितने देवा देवी, जब इनको पता चलता भैया ये तो बाकी बिहारी की शरण में गए, ये सबके सब तुम्हारे अनुकूल हो जाए, कोई विरोध में नहीं जाएगी। नहीं तो क्या होगा, आज एक देवता को पूजा करो, दूसरे देवता तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, तीसरे के पूजा करो, चौथा पीछे पड़ जाएगी। देवता कितने हैं? 33 करोड़ है। बताओ तो कितने को मनाओगे और कितने को नाराज करोगे? एक कृष्ण का शरण में अगर आ गए तो सभी का शरण में आना हमारी हो जाता है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी अभी प्रश्न आता है, बोले भैया ये 33 करोड़ देवता केवल कृष्ण की पूजा करेंगे? बोले कृष्ण की पूजा करो, लेकिन सबको आदर दो, किसको अनादर नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई एक लड़की घर में शादी होकर के आई, उसका जेठ है, देवर है, ननंद है, सास है, वो बहू सबकी सेवा करती कि नहीं? सबका सेवा करती कि नहीं? सबका आदर देती है, लेकिन अपना हृदय में किसको बैठा कर रखती है? हृदय में किसको बैठा कर रखती है? अपना पति को। हृदय में केवल पति को स्थान देती। अगर किसको साथ में थोड़ा लड़ाई हो जाएगा ना, किसको लेकर अलग हो जाएगी? अपना पति को लेकर के। उसी तरह मेरे तो गिरधर गोपाला, मेरे तो गिरधर गोपाला। इसलिए कन्हैया को हृदय बैठो और सबको आदर करो, सबकी सेवा करो, सभी के आदर करो, लेकिन हृदय में भगवान कन्हैया को बैठाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। और पंडित जी जान संजीत जी आ जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा मोबाइल ले आओ, मेरा मोबाइल अंदर दी। जय जय श्री राम। अच्छा, पीछे कोई हाथ नहीं उठा रहा, लोग सो गए क्या? अच्छा देखो, एक जगह कथा चल रही थी, तो सेठानी रोज आती है कथा में, लेकिन सेठ जी नहीं आते। सेठानी जी रोज जाकर के घर पे कहती है, चलो जी एक दिन चलो कथा सुनते, वहां साईं वाटिका में कथा में अमृत बरस रही है, एक दिन तो चलो। तो सेठ जी बोले, ना ना, समय को नहीं, समय नहीं है मेरे पास। तो
सेठानी रोज जाकर कहती है अरे एक दिन तो चलो, एक दिन चलो कथा में, वहां कथा में अमृत बरस रहा है। तो सेठ जी बोले चलो, तुम रोज रोज आकर घनर घनर करती हो, एक दिन चला जाऊंगा संडे को, यानी कि रविवार के दिन मैं जाऊंगा कथा सुनने। अब सेठ जी आए कथा सुनने रविवार के दिन, और सबसे पीछे जो है एक बटन वृक्ष था, वहां पर सेठ जी बैठ गए। उनकी तो कथा बता से कोई मतलब नहीं है, पत्नी ने कही है चलो करवाने की पूरी करनी है। तो अब वो सेठ जी जो है बट वृक्ष में ऐसे सिर लगाकर आराम से 3 घंटे सो गए, और सो गए कैसे, खर्राटे के खर्राटे होते नहीं, तो खर्राटे लेकर सो गए सेठ जी। और कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि खर्राटे लेते समय मुंह खुला रह जाता है, जैसे मेरी तरफ देखिए कैसे मैं देखा रहा, इस प्रकार खुला रह जाता है। तो पीछे जो बट वृक्ष के पीछे कथा के बिल्कुल श्रोताओं के पीछे जो है बट वृक्ष था, उसमें सेठ जी आकर बैठ गए और सो गए, मुंह खुला रह गया सो गए। और वहां घूम रहे थे कुत्ता, आप लोग जानते हैं कुत्ता क्या करते हैं, पेड़ फेड़ देखते हैं तो टांग उठाकर जो करना था कर दिया। अब सेठ जी इधर व्यास जी ने जयकर लगाया, क्या बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, और जैसे ही जयकर लगाया सेठ जी की नींद खुली, और खुलकर देखा कि मुंह में कुछ कड़वी कड़वी शाप है, खारो खारो सो। सेठ जी ने सोचा भाई पत्नी तो कह रही थी कि अमृत वर्षा आ रही है कथा में, एक खारो खारो सो कैसे सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, पीछे कोई मैं जयकर लगाया तो हाथ नहीं उठा, मैंने सोचा कि सो गए, सोने से ऐसे ही कुछ हो सकता है, तो शरीर जयकर लगाया। जी जल्दी आ जाएगी, तो राम जी एक पत्थर डाला, पत्थर डूब गया, दूसरा पत्थर डाला, दूसरा भी डूब गया, तीसरा डाला, तीसरा भी डूब गया, और पीछे बैठे बैठे हनुमंत लाल जी हंस रहे थे, ये क्या कर रहे हो हनुमंत, ये क्या नाटक कर रहे हो। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी ये बताओ, आप लोग पत्थर डाल रहे हो समुंदर में और पत्थर तैर रहा है, और मैं पत्थर डालता हूं
तो पत्थर क्यों टूट जाता है? तो यहां यहां पर हनुमंत लाल जी ने नाथ नगर की बात कही है, क्या कि प्रभु आप जिसको छोड़ दोगे, क्या आप जिसको छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही है? लेकिन आपके नाम जिसके जीवा के अग्र भाग पर अंकित है, आपके नाम जिसके जीवा के अग्र भाग पर अंकित है, उसको आप लाभ कोशिश करने पर ही नहीं दे सकते। बोलो वृंदावन बिहारी नाम की ये नाम की महिमा है, इसलिए कहते हैं Oh,
ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सौनकादि ऋषि ने सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, जैसे साई वाटिका में कथा हो रही, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो भैया कथा सुनने के लिए आओ, अगर छोटी मोटी कोई बिजनेस हो नहीं तो दुकान हो नहीं तो काम हो, बोलेगा भैया मेरे पास में कथा सुनने का समय नहीं। लेकिन इसलिए स्वर्णकादि लोग प्रश्न करते हैं कि जो परीक्षित महाराज उसी समय कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, केवल उन्होंने भारत का राजा नहीं वो संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर राज्य तो कर रहे थे, वो छोटे मोटे राजा नहीं थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ पीछे रख करके साथ साथ दिन तक उन्होंने कथा सुनी। बोले क्यों क्यों उन्होंने कथा सुनी? और श्री सुखदेव गोस्वामी ये पहले से ही पर ब्रह्म ज्ञानी थे, कहते ना रमते जोगी बहते पानी। एक गृहस्थ को घर में वो उतना समय टिकते थे, एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगे, लेकिन ये 16 साल तक वो मुंह ही नहीं खोले, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोले ना वो 7 दिन तक मुंह बंद ही नहीं किया, वो 7 दिन तक। अभी जैसे हम कथा सुन रहे थे ना, कथा ऐसी नहीं हो रही थी 2 घंटा 1 घंटा कोई आकर बैठी गई, ऐसी कथा नहीं हो रही थी, वो कंटिन्यू 3 रात 7 दिन तक पूरी की पूरी कथा सुनाई उन्होंने, मुंह ही नहीं खोले। फिर उन्होंने ये भागवत ग्रंथ उन्होंने क्यों बनाए, इसका कारण क्या था, उन्होंने सारे प्रश्न की। ये प्रश्न सुन करके श्री सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के कहते हैं, बोले द्वापरे समन्य प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर ज्योति का सत्याम कल्याणी। यदि जो व्यास देव थे, ये व्यास देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये भगवान की ये सत्यावेश अवतार श्री व्यास थे। इन्होंने जन्म लेकर के देखा अभी ये कलयुग आने वाले हैं, पहले ना ये जो पुस्तक देख रहे हो, पहले पुस्तक पुस्तक कुछ नहीं होता था, जितने आप बड़े बूढ़े होंगे उनको पता होगा, पहले पढ़ाई लिखाई कहाँ होता था, पेड़ को नीचे बैठ करके मास्टर लोग पढ़ाते थे और उनको रटाते सब रट लगते देते थे, पुस्तक की जरूरत नहीं, इतने ब्रेनी इतने ये मेधावी होते थे, क्योंकि जो खाना है ना एकदम प्योर खाना, अभी जैसे हाइब्रिड देकर के हर चीज आपको कोई चीज शुद्ध चीज नहीं मिलेगी, सब्जी को कलर कर देते हैं, फिर सब्जी को जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शन दे करके उसको बड़ा कर देते हैं, पहले ये सब चीज नहीं होती थी, एकदम हर चीज एकदम प्योर मिलती थी और उसको खा करके, पहले ये इंटरनेट मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होता था, लोग अपना ब्रह्मचर्य को पालन करते थे, हैं शादी से पहले कोई स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री से कोई नहीं मिलते थे, आप लोगों को पता होगा, हैं आप लोगों को पता होगा, इसलिए शादी से पहले कोई नहीं मिलते थे, शादी को बाद में जाकर कहीं मिलते थे, पहले ब्रह्मचर्य पालन करते थे, इसलिए बुद्धि बड़ी तीव्र हुआ करती थी, इसलिए पूरा वेद पुराण उपनिषद को रटते रटते पूरा रट लेते थे। लेकिन व्यास देव जी ने देखा ये कलयुग आ रहे हैं, कलयुग में धीरे धीरे स्मरण शक्ति नष्ट होती जाएगी, इसलिए एक वेद था उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकट किया, फिर उन्होंने उपनिषद को उन्होंने रचना की, फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र को रचना की, फिर उन्होंने 8 पुराण बनाया। देखा स्त्री और शूद्रों को ये वेद में अधिकार नहीं, इसलिए 5वां वेद उन्होंने महाभारत बनाया, इन्होंने ये सारे ग्रंथों को जीव कल्याण के लिए रचना की, लेकिन उनको मन में शांति नहीं मिल रही। एक दिन बड़ी दुखी होकर के बैठे हुए थे, फिर भगवत इच्छा से श्री नारद जी वीणा बजाते बजाते श्री नारद जी आए, बोले व्यास लगता है कि बड़े दुखी हो, बोले गुरु जी आप सही बता रहे, आप गुरु है ना, गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है आलोक, जो शिष्य के हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर कर दे वो कौन है, ये श्री गुरु जी। बोले गुरु जी आप सही ना समझ,
मैंने तो जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथों को बनाई, लेकिन अंदर से मेरे को लगता है इसमें कुछ कमी है। गुरु जी आप ही बताओ। नारद जी ने कहा, देखो तुमने जो पुराना बनाया ना, भविष्य में कभी कभी इसको लेकर लोग झगड़ा करेंगे, क्योंकि जब तुमने शिव पुराण बनाए वहां पर सत्यम शिवम सुंदर, बता शंकर ही सब कुछ है, वही सब कुछ करने वाले, वो शिव को छोड़कर किसको पूजेगा ही। जब तुमने देवी है पुराण बनाए, मैया को ही सब कुछ तुमने बना दी, मैया ही जगदम्बा जग जननी है, वही सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली, वो तो मैया को छोड़कर किसको पूजा करेंगे नहीं। जहां पर तुमने सूर्य देवता की महिमा गाई, बोले भैया सारा दुनिया को तेज राशि कौन देने वाले, बोले श्री सूरज है। जहां तुमने ब्रह्मा जी की महिमा गाई, बोले सृष्टि करने वाले कौन है, बोले ब्रह्मा जी। जहां पर तुमने गणेश जी की महिमा गाई, बोले सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, बोले गणपति गणेश जी की। अब ये सब ग्रंथ अगर कोई एक साथ में पढ़ लेना, फिर तो वो सोच नहीं पाएगा मुझे क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो ध्यान देकर आप भी सुनो, उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ करके भी रचना करके शांति क्यों नहीं मिली, बोले तुमने हृदय खोल करके ना भगवान कृष्ण की महिमा को तुमने नहीं गाया, क्योंकि जो जीव है ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, हम सब कृष्ण राम के अंश है, हमारा जो कर्तव्य है भगवान कृष्ण राम की एक निष्ठ होकर के पूजा करनी चाहिए, बहुनिष्ठ नहीं एक निष्ठ होकर के, सबका सम्मान करो, किसी को असन्मान मत करो, लेकिन हृदय में एक को बैठाओ, ऐसे एक देवता को बैठाओ जिसको पूजा करने से विश्व ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाए। बोले वो कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण करने आए, जिनका अंदर में विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए देखो अभी तुम दिल खोल करके तुमने क्या करो, भगवान की महिमा को गान करो, देखोगे तुमको शांति मिलेगी। और विशेष करके वृंदावन की कथा सुनाओ, कैसे भगवान होते हुए भी सखाओं को सख्य रस में कैसे बग गए, सारा दुनिया जिनका झूठन खाता है ठाकुर जी उनको झूठन खाते हैं, सारा दुनिया को जो प्रेम से माया से बांध करके रखे, मैया जसोदा कैसे कन्हैया को उखल में बांध देती है, सारा दुनिया जिसकी पूजा करती है कृष्ण से राधा रानी को पूजा करती है, भगवान कैसे प्रेम में बसीभूत होकर के ब्रज में प्रभु कितने सुंदर सुंदर लीला की, सुंदर ब्रज की कथा सुनाओ, ठाकुर जी की कथा और उनकी भक्तों की चरित्र सुनाओ, इससे ही शांति तुमको मिलेगी। तब से नारद जी बताए, देखो मेरी जीवन को सुनो, मैंने इतना बड़ा संत कैसे हूँ, बाकी वाले तो साउंड साहब तेज कर सकते हैं, इसलिए मेरी चरित्र को तुम सुना। पहले मैंने एक दासी के पुत्र रूप में मैंने जन्म लिया, छोटा बच्चा था 5 साल का। एक दिन ही हमारे गांव में चातुर्मास, अभी चातुर्मास चल रही है, ये चातुर्मास में कुछ संतों हमारे गांव में आए, जब संत लोग आए उनके लिए पूरी सब्जी बनना शुरू हो गया। मैं तो गरीब घर में जन्म लिया था, मेरी भैया ने देखा अगर थोड़ी सी साधु संतों को सेवा कर दूँ ना मेरे को भी भोजन मिलेगा, मेरे बच्चे को भी भोजन मिल जाएगी, इसी भाव से मेरी मैया संतों की सेवा की। अभी मैया जो करेगा बच्चे तो वही करेंगे ना, वो बच्चा भी साधु सेवा में लग गया हाँ संतों की सेवा करे। लेकिन कहते हैं जैसे बारिश ही होती है, बारिश ही होती है लेकिन वो रुकती कहाँ पर, जहाँ पर गड्ढा हो, उसी तरह भगवान की कृपा तो बरस रही है। बताओ भगवान, हम तो सब भगवान की संतान, उनकी कृपा सबको पर बरस रही है, लेकिन उसको धारण करने की शक्ति हमारी अंदर में होनी चाहिए है, धारण करने की। इसलिए नारद जी कहते हैं संतों तो समदृष्टि सबको बराबर रूप में देखते थे, लेकिन मेरे अंदर में विशेष करके दो गुण को देख करके वो रीझ गए। पहले पहला गुण क्या है, पहले पहला गुण था जब संतों लोग बैठ करके हरि चर्चा करते थे, हरि कीर्तन करते थे, मैं बच्चे जैसे खेलता कूदता नहीं, मैं भी संतों को साथ में बैठ करके ताली बजाते हुए मैं भी कीर्तन करता था, जब संत कथा सुनाते थे मैं भी एक मन से कथा सुनता था,
और उनका आदेश को पालन करता था मैं। संतों ने देखा इतना छोटा सा बच्चा खेलता नहीं, जब कीर्तन हो कीर्तन में बैठा है, ताली बजा कर कीर्तन करता है और ये सेवा भी करता है। ये चीज को देख करके संतों की मेरे ऊपर में विशेष कृपा पड़ी, इनको हमारे ऊपर में। एक दिन संत लोग कथा करते करते बोल रहे थे, बोले देखो अगर जल्दी से जल्दी प्रभु की कृपा कोई पाना चाहते हैं, वो तीन चीज सबसे जल्दी से जल्दी भक्ति देने वाली, वो क्या है? बोले संतों का चरणामृत, संतों की अधरामृत और संतों की चरणों की धूलि। ये तीन चीज जल्दी से जल्दी प्रभु को प्रेम देने वाली। एक दिन क्या हुआ, संतों ने प्रसाद पाए, ठाकुर को पहले भोग लगाए, प्रसाद पाए और पत्तल में कुछ झूठा छोड़कर चले गए। मैंने सुना था संतों का झूठन में बढ़ा सकती है। मैंने संतों से प्रार्थना की, संतों आपकी प्रसाद को क्या मैं ले सकता हूँ? बोले हाँ ले सकते हो। बोले श्री व्यास देव तेरे को मैं सच सच बता रहा हूँ, एक बार मैंने संतों का प्रसाद को ग्रहण किया, मेरे हृदय तो पवित्र हो गए, मेरे हृदय में प्रभु की झलक दिखने लग गए, ठाकुर जी का अनुभूति होने लग गया। जब चार महीना समाप्त होते ही संतों लोग जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया मेरे को भी साथ में ले चलो, क्योंकि संतों को साथ में बड़ा आनंद है, हर समय कोई इधर उधर की चर्चा नहीं, केवल हरी चर्चा हरी कथा प्रभु की भक्ति की बात है। बड़ा आनंद लगता था संतों को संग में, बोले मेरे को भी साथ में ले चलो। लेकिन मैया का मैं एक लौता संतान था, मैया मेरे को जाने नहीं दी और संतों ने जाते जाते मेरे को एक मंत्र दे करके, बोले बेटा ये मंत्र को तू जप करते रहना, अगर ये मंत्र को तू सही सही जप करोगे ना, यही मंत्र तेरे को एक दिन भगवान तक पहुंचा देगा। संतों ने मेरे को मंत्र दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये मंत्र मेरे को दे कर गए। अभी एक दिन मेरी मैया शाम का समय में गोदोहन करने के लिए गई थी, एक जहरीले सर्प को ऊपर में प्यार पड़ गई, वो सर्प ने मैया को काट दी, वहीं पर मेरे मैया शरीर छोड़ दिया। किसने कहा नारद जी तेरे को मैया ने सांप ने काट दी? दुखी तो हुआ सुखी भी हुआ, देखा अभी मेरे को कोई भजन में बाधा देने वाले नहीं, फिर तो मैं भजन करने के लिए चल पड़ा। लेकिन भगवान बड़े परीक्षा भी लेते, कितना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। मैं जब जा रहा था 5 साल का बड़ा सुंदर देखने का था, 2 सेठ सेठानी थे लेकिन घर में कोई औलाद नहीं, मेरे को अकेले देख करके बोले बच्चा एक बार हमें केवल पिता माता बोल दे, एक बार केवल हमारा गोद में बैठ जा, सारे संपत्ति का मालिक हम तुम्हें बना देंगे। बोले भैया गोद में बैठूंगा तो ठाकुर जी की गोद में बैठूंगा और किसी की गोद में नहीं बैठूंगा, उसका मोह मैंने त्याग दी। थोड़ी दूर गया तो किसी राज्य में राजा नहीं था, वो हाथी सोने की कलसी लेकर घूम रहा था, जिसकी सर पर डालेगा वही राजा बनेगा। उसने मेरे सर के ऊपर में पानी डाल दिया, सब लोग मेरे को पकड़ लिया, हमारा देश का राजा मिल गया, राजा मिल गया। लेकिन मैंने उसका मोह भी मैंने त्याग दी। थोड़ी दूर गया तो सोने की खान, मैंने उसका मोह भी मैंने त्याग दी। देखो जब ठाकुर जी की पाने के लिए जाओ ना, ठाकुर जी को भी परीक्षा करते हैं, ये माया में फंसाना चाहते हैं, अगर ये सारे माया को जो तोड़ करके आगे जाएगा ना, फिर तो वो ठाकुर को प्राप्त कर सकता है। फिर घोर जंगल में मैंने प्रवेश किया, बड़ा सुंदर सरोवर जहाँ पर सुंदर सुंदर कंबल फूल खिला हुआ, वहाँ स्नान किया और संतों ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र को बैठ करके हमने एक मन से मैंने मंत्र को जप किया। जब मैंने मंत्र को जप करते 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 ये मन जब हमारे एकाग्र हो गया, मन और इधर उधर भटकता नहीं, फिर भगवान की एक झलक हमें दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन मिला। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। देखो नारद जी कहते हैं ये मंत्र जप करते करते हमें दर्शन मिला, लेकिन हम लोग कहते हैं भैया इतना दिन हो गया हमें ठाकुर का दर्शन मिल नहीं रहा,
हमें तो ठाकुर का दर्शन मिला ही नहीं। देखो कारण है, हमें जो मंत्र है ना, एक मन से हमें मंत्र जप करनी चाहिए, मंत्र का प्रति हमारी विश्वास होनी चाहिए। पहला नंबर हमारी विश्वास होनी चाहिए और एक मन से ये मंत्र को हमें जप करनी चाहिए, तभी वो मंत्र भगवत प्राप्ति कराता है। ध्रुव जी को 6 महीना में दर्शन हुए, 6 महीना में ध्रुव जी को दर्शन हुआ, इसलिए हमें क्यों दर्शन नहीं हो रहा है? मंत्र में कमी ना हमारी अंदर में कमी, कमी हमारी अंदर में। पहला नंबर हमें विश्वास होनी चाहिए। बोले कैसे विश्वास होनी चाहिए कि छोटी सी बता सुनो। बोले कोई एक शिष्य था, वो रोज नदी पार करके गुरु जी के आश्रम में सेवा करने आता था, फिर सेवा करते हुए नदी पार करते हुए चला जाता था। एक दिन जन्माष्टमी पड़ा, कृष्ण रात 12 बजे कृष्ण जन्म लेते, उसको बाद में फिर प्रसाद पाते पाते हो गया रात 1। चला ने कहा गुरु जी मैं घर में जा रहा। बोले क्यों? रात को आश्रम में रुक जाना, सवेरे चला जाना। बोले नहीं गुरु जी मेरे को जाना पड़ेगा। बोले क्यों जाओगे? बोले गुरु जी इसमें एक रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? बोले मैं जब घर में जाता हूँ फिर ठाकुर जी को आपको याद करता हूँ, कल आश्रम में जाना, गुरु जी की सेवा करना, ठाकुर की सेवा करना। अगर मैं यहाँ रहूँगा ना फिर अपना बीवी को चिंता करूँगा, बच्चों को चिंता करूँगा, बीवी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ रहूँगा तो संसार को चिंता करूँगा, संसार में जाऊँगा तो आपको चिंता करूँगा। गुरु जी बताओ सही किया? बोले बात तो सही बता रहे हैं, इसलिए गुरु जी मेरे को जाना चाहिए। बोले ठीक है बेटा चले जाओ। बोले गुरु जी एक मुसीबत। बोले क्या? बोले बीच में नदी बढ़ती है, वो केवल तो सो गया होगा, फिर नदी कैसे पार करूंगा? गुरु जी ने कहा देख बेटा तेरे को मैं एक मंत्र लिख करके दे रहा हूँ, उसको हाथों में अच्छे तरह से पकड़ लेना, फिर नदी के ऊपर में चलते 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 पार हो जाओगे। बोले ऐसे मंत्र? बोला गुरु जी ने बताया, उन्होंने मंत्र को उन्होंने लिख करके दे दिया। सचमुच से देखा पानी के ऊपर में वो चलते 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 पानी के ऊपर जा रहा है, डूब नहीं रहा है। बोले भैया गुरु जी ने क्या मंत्र दिया जो पानी के ऊपर चल रहा है? करी करी नदी पार ही हो गया, थोड़ी सी बाकी थी। उसका मन में इतनी कुतूहल जगा, बोले देखता तो सही ये कागज में लिखा हुआ क्या। जब वो कागज को खोला ना पेपर को, देखा उसमें लिखा हुआ था, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब देखा वो कागज में हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ, बोले केवल इतनी हरे कृष्ण और कुछ ही नहीं, और इसकी ताकत में ये नदी में पार हो रहा हूँ। देखो अभी तक तो पार हो रहा था क्योंकि मन में दृढ़ विश्वास था, लेकिन उसका विश्वास जब कम हो गया ना, पानी में झट डूब गया, वो डूब गया उसी पानी में। इसका मतलब है पहला क्या होनी चाहिए, मंत्र के प्रति विश्वास, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। इसलिए कहते ना हो गए भवस पार लेकर नाम तेरा है। इसलिए जिन जिनियों ने ठाकुर का नाम लिया है, वाल्मीकि अति दीनता पूरे कर्म में सदा लीनता, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरे राम हरे तैयार लेकर नाम तेरा, हरे हो गए भगवान लेकर नाम तेरा। जिन्हों ने ठाकुर का नाम लिया, भगवान राम को लंका जाने के लिए फूल की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान ने जय श्री राम बोल करके सारे समुद्र को पार किया है। द्रौपदी ने एक बार ठाकुर जी का नाम लिया, कहां हस्तिनापुर और कहां द्वारका, भगवान उसको वस्त्र प्रदान किए। इसलिए पहला जो नंबर है ना, गुरु जी की मंत्र का प्रति विश्वास। लेकिन हम क्या करते हैं, गुरु जी से माला लेके, माला लेकर के एक दो दिन किया, उसके बाद में माला लटक रहा है, पता नहीं कितना दिन से माला ही नहीं छुए हैं। कहते गुरुदेव
अभी तक तो प्रभु मिले ही नहीं भैया, ऐसे कैसे मिलेंगे। इसलिए दृढ़ विश्वास होनी चाहिए मंत्र का प्रति। जिन जिन्हों ने ये मंत्र को जप किया सबका ठाकुर ने कल्याण की है। इसलिए श्री नारद जी इसका मन जब एकाग्र हो गया तो भगवान की एक झलक दर्शन मिला। प्रभु तो दर्शन दिए फिर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। फिर तो नारद जी रोने लग गए, बोले ठाकुर जी दर्शन नहीं देते तो नहीं देते, लेकिन दर्शन देख रहे कहाँ चले गए। रोने लग गए, आकाशवाणी हुई, हे नारद जी केवल तुम्हारा उत्कंठा को बढ़ाने के लिए मैंने दर्शन दी, फिर तुम्हें अगले जीवन में दर्शन मिलेगा। फिर श्री नारद जी ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर के जन्म हुए। गिरिराज तलेट में जब उन्होंने प्रभु का भजन की फिर ठाकुर का दर्शन मिला। फिर राधा रानी रासलीला में दर्शन दी, अपना प्रसाद बिना प्रदान की। नारद जी कहते जब जब मैंने बिना में ठाकुर जी का नाम जप करता हूँ ठाकुर जी दौड़ दौड़ करके आते हैं और मेरे को दर्शन प्रदान करते हैं। बोले हे व्यास देव अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो ये भागवत ग्रंथ को तुम रचना करो। तब व्यास देव जी भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना की। रचना करते हुए ग्रंथ को किसको पढ़ाया, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी को। उन्होंने ये ग्रंथ को उन्होंने अध्ययन करवाया। अभी कृष्ण जब जब द्वारका जाने के लिए कृष्ण तैयारी होते हैं, मैया कुंती कुछ ना कुछ बहाना बना देती है, पांडव कुछ ना कुछ बहाना बना देती है। एक दिन कृष्ण ने बोले ठीक है बुआ जी आज जो कुछ स्तुति करना स्तुति कर लो। मैया कुंती कहती है बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण गुरु ने बड़ी प्यारी प्यारी उन्होंने स्तुति की। बोले प्रभु जगत में वे लोग सर्वश्रेष्ठ हैं जो तेरे स्वरूप कृष्ण को भक्ति करते हैं। बोले उनसे बड़े कौन हैं, बोले ये देवकी और वसुदेव की। बोले वसुदेव, बोले क्यों, बोले तुम जगत पिता जगन्नाथ हो लेकिन तेरे को गर्भ में किसने धारण की, बोले मैया देवकी। दुनिया के तुम पिता हो लेकिन तुमने पिता किसको बनाया, बोले वसुदेव को। ये जगत में बड़े भाग्यवान है। बोले उनसे बड़े कौन है, बोले नंद और जसोदा। बोले क्यों, कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए लेकिन पल्ले में उनको झुलाया किसने, उनको स्तन किसने पिलाया, अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना किसने सिखाया। इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। देखो कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, कल भगवान जन्म लेने वाले। जब कृष्ण मैया की गर्भ में आई जितने ब्रजवासी थे ना वो छह महीना पहले 84 गज की लहंगा बना करके रख दी, बड़े सुंदरी चुंदरी बना करके रखे, इसको पहनी करके हम कृष्ण को बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल जितने माताएं हैं ना सबके सब 84 गज की लहंगा, वो शादी का समय का जितने साड़ी है ना सब कटरा में बंद करके रखो, सब खराब हो रहा है, सब कल निकालना ठीक है। एकदम सबके सब पीले पीले रंग के, सबके सब पीले पीले रंग के साड़ी पहनी करके और चुंदरी है ओढ़ करके, जैसे गोपियाँ आई थी आप लोग भी कल सबके सब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, सबके सब सज धज करके आना ठीक है ना, बढ़िया से कपड़ा पहन करके। कौन सा रंग के कपड़ा पहनोगे, पीला, और कोई रंग नहीं, नहीं हो तो किसे उधार कर लेना, ऐसे नहीं कोई बात नहीं, अगर पीला हो तो बढ़िया है, अगर नहीं हो तो तुम्हारे पास में जैसे कपड़ा होगा ना वैसे ही पहन करके आना, क्योंकि ठाकुर जी भाव के ठाकुर जी भूखे हैं और खाली हाथ से नहीं आना, जैसे उसमें लूटा कहना, जैसे उसमें बात, जैसे उसमें कोई टफी हो है, उसमें कोई मफना हो, कोई खिलौना हो, क्योंकि जो कथा है ना ये आप सब मिलकर के कथा कर रहे हो, ये किसी एक व्यक्ति का कथा नहीं है, ये सब आप लोगों की कथा है। इसलिए कल सबके सब कुछ ना कुछ लेकर के आना, उसको हम लुटाएंगे। देखना आपका बच्चे का बर्थडे में कितने आनंद से धूमधाम से अपना बच्चे का बर्थडे पालन करते हो,
और कृष्णा तो हमारे असली बच्चे कृष्णा ही है, हैं? कृष्णा हमारी असली बच्चे है, इसलिए कल कुछ ना कुछ लेकर गया ना लुटाने के लिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। बोले मैया यशोदा नंद बड़े हैं, सौभाग्यवान। बोले उनसे बड़े कौन है? बोले ब्रज की गोपियां हैं, क्योंकि कृष्ण जो रास रचा या गोपियों के साथ में प्रभु रास रचाते हैं, इसलिए उसमें गोपियां श्रेष्ठ हैं। बोले उनसे बड़ी कौन है? बोले गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं। बोले किसकी सेवा करती हैं? बोले श्रीमती राधा रानी की। बोले श्रीमती राधा रानी मैया कुंती कृष्ण को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रही थी। कृष्ण बोल रहे थे, बुआ जी तू तो आज उल्टा गंगा बहा रहे हो, मैं तो भाती जा रहा हूँ, कहाँ मुझे स्तुति करनी चाहिए। बोले कन्हैया यही तो तेरी माया है, किसको किसको बुआ बना दिया, किसको पिता बना दिया, किसको भैया बना दिया, और सारा दुनिया को तुमने माया में मोहित करके रखे हो, यही तेरी माया है। बोले कन्हैया तेरी माया को समझना बड़ा कठिन है। एक दिन तुमने ब्रज में मक्खन चोरी की, मैया ने तेरे को पकड़ कर वो उखल में बांध दी, मैंने स्वयं देखा तू कैसे रो रहा था, मैंने देखा हे भगवान कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, सारा दुनिया को जो माया में बांध करके रखा, लेकिन आज मैया उसको उखल में बांध दी, मैं भी चकाचौंध हो गया, तेरी माया को समझना बड़ा कठिन है। बोले ठीक है बुआ जी, आज जो कुछ मेरे से मांगना मांग ले, आज मैं तेरे को झोली भर दूंगी। देखो कुंती क्या मांगती है, अगर भगवान आपको बोले मांगने के लिए आप क्या मांगोगे? बोलो सुख मांगोगे ना दुख मांगोगे? सुख मांगोगे है ना, सुख मांगोगे। लेकिन मैया कुंती भगवान से दुख मांगती है। बोले प्रभु मेरे को विपत्ति प्रदान करो। बोले बुआ जी सारा जीवन तुमने विपत्ति विपत्ति भोगा, तुम्हारे जत्तू गृह में जलाने के लिए कोशिश की गई, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण हुई, जंगल जंगल में जिंदगी भर तुम भटकते रहे, क्या इतना दुख भोग करते करते जी भरा नहीं, फिर दुख मांग रहे हो? कुंती जी क्या कहती हैं? बोले सुख के माथ सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को आए। आप लोग बताओ तो, हम सही सही बताओ, दुख में ज्यादा भगवान की स्मरण करते हैं ना सुख में? बताओ बताओ, सुख में करते हैं ना दुख में करते हो? दुख में करते हो। इसलिए भगवान कुंती कहती है, बोले प्रभु जगत में चार तरह का व्यक्ति तेरा कोई भजन नहीं करेगा। बोले चार तरह का व्यक्ति कौन है? बोले जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाएगा। देखना ज्यादा पैसा वाला उनको कथा में नहीं देखोगे, अगर आए ना थोड़ी बैठे फिर चले जाएंगे, उनको तो शराब का कहीं अड्डा खाना में, कहीं उनको हैं कि डिस्को डांस में उनको देखोगे, हैं कहीं सिनेमा घर में देखोगे, सत्संग में सहज में वो दिखेंगे नहीं, सहज में वो जितने गंदे स्थान में वो लोग दिखेंगे, सत्संग में आए तो फिर भाग जाएंगे बैठेंगे नहीं। इसलिए इस माँ कुंती स्वयं कहती है, और जन्म जिसको बड़ी हाई फाई जाति में जन्म हो जाए, बोलेगा अरे हम तो इतने बड़े हैं, अभिमान आ जाती है। श्रुत श्रुत मतलब होता है विद्वान, जिसको थोड़ा ज्यादा डिग्री मिली जाए, एम ए पी एच डी डॉक्टर बन जाए, मैया कुंती कहते कन्हैया उस तेरी भक्ति नहीं करेगा। हैं श्री जिसके शरीर का थोड़ा रंग थोड़ा बढ़िया हो जाए, जैसे हीरो हीरोइन देखने में थोड़ा जो सुंदर हो जाए, कहते कृष्णा कहते कृष्णा ये चार तरह का तेरे भक्ति करेंगे नहीं, ये बड़े अभिमानी होएंगे, बड़े दम्भ उनके अंदर में होएगी, इसलिए जो दीनहीन व्यक्ति तेरे भक्ति करने वाले, इसलिए कथा सुनने वाले भी बड़े दीनहीन व्यक्ति तेरी कथा सुनते हैं। इसलिए भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने स्तुति की। फिर पितामह भीष्म भी सरसज्जा में लेटे हुए थे, ठाकुर जी वहाँ पर भी गए, उन्होंने भीष्म के ऊपर में भी ठाकुर जी कृपा की। अभी पंच पांडव जब भगवान कृष्ण ये दुनिया छोड़ गए, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं, बच्चे जो हई होला कर रहे बंद कर सके, यहाँ पर कोई नहीं है वो बच्चे जो हई होला कर रहे उनको बंद कर सके, ये बच्चे
हरे कृष्ण। इसलिए कहते हैं चार तरह का व्यक्ति तेरे भक्ति नहीं करेंगे हैं। अभी उन्होंने पितामह भीष्म के ऊपर में कृपा की। पितामह भीष्म जी ठाकुर को दर्शन करते करते ठाकुर जी के नाम को लेते लेते उन्होंने भगवत धाम को चले गए। अभी कृष्ण जब ये दुनिया छोड़ करके भगवान कृष्ण चले गए, पांडव भी ये दुनिया छोड़ करके पांडव भी चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज को बना करके गए। एक दिन परीक्षित महाराज बड़े अपशगुण देख रहे थे, बड़े अपशगुण दिख रहा था उनको। एक दिन उन्होंने भ्रमण करते करते देखे मेरे देश में कहाँ पर अपशगुण है। उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखी। उन्होंने देखा एक गैया बड़ी जोर जोर से रो रही थी। बोले भैया तुम कौन हो? बोले मैं पृथ्वी हूँ। बोले क्यों रो रही हो? बोले भगवान कृष्ण चले गए, अभी ये कलियुग आएगा, कलियुग में जीव बड़े पाप कर्म करेंगे, अभी ये पाप कर्मों को मैं कैसे सहन करूं, इसलिए रो रहा हूँ। थोड़ी दूर में देखा है कि बैल जिसका तीन प्यार नहीं वो एक प्यार में खड़ा हुआ, और एक राक्षस जैसे व्यक्ति लंबे चौड़े और एक प्यार को वो मार मार कर उसको तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था। वो बेल बड़ी जोर जोर से रो रहा था, विष्टा मूत्र को विसर्जन कर रहा था। परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया, उन्हें तलवार को निकाल करके झपड़ पड़े, लेकिन वो स्वयं कली था। उन्होंने देखा ये अर्जुन का वंशधर है, शरणागत व्यक्ति को कभी मारते नहीं, सीधा चरण में लेटे गए। बोले भैया ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है। बोले इसका तीन प्यार कहाँ चला गया? बोले युग चार ही है, सत्य तृतीय द्वापर कली, और चार युग में चार तरह का धर्म है। अभी तीन युग बीत गया, धर्म का तीन चरण खत्म हो गया, तीन चरण गया, धर्म केवल अभी एक चरण के ऊपर में खड़ा हुआ है। बोले ये कौन? बोले कली। बोले ये क्या कर रहा है? बोले मैं कलियुग में कोई धर्म कर्म रहने नहीं दूंगा, सबके सब समाप्त कर दूंगा, कलियुग में केवल पाप ही पाप ही पाप हो। परीक्षित महाराज ने कहा जब तक मैं जिंदा रहूंगा तेरा कोई स्थान नहीं, भाग जा यहाँ से। बोले प्रभु सत्य तृतीय द्वापर तीनों ने काम किया, तीनों को स्थान दिया, अभी कलियुग में मेरे को भी तो स्थान दो। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं इसको दूं कि नहीं दूं। इन्होंने देखा यद्यपि कलियुग उसका नाम ही कली है, कली मतलब कलह झगड़ा, जहाँ पर बहु बहु में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोस में झगड़ा, देश देश में झगड़ा, मन मन में झगड़ा, ऑफिस में जाओ झगड़ा, जहाँ पर झगड़ा को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं, जाति जाति में झगड़ा है, और जितने वोट में अलग अलग पार्टियों में झगड़ा, आप जहाँ जाओ ना ये झगड़ा को छोड़कर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये युग ही कलियुग है। लेकिन परीक्षित महाराज ने देखा ये कलियुग को स्थान दूं कि नहीं दूं, कलियुग तो कली का युग है, लेकिन देखा कलियुग में एक विशेष गुण भी है, यद्यपि कलियुग अधर्म है लेकिन एक विशेष गुण है। बोले कलियुग का गुण क्या है? बोले कलियुग के बलना मां आधारा, कलियुग के बलना मां आधारा, कलियुग के बलना Thank you.